माँ भी थपथपाती और गुरु भी थपथपाता है, पर मैंने जो फर्ज देखा वो यही देखा कि माँ थप थप माँ जो है वो थप थपा कर प्रेम से सुनाती है, लेकिन गुरु जो है वो प्रेम से थप थपा कर जगाता है कि जाग अपने जीवन में तू जागना सीख, देख दुखों से पार, उस सत्य को देख, उस अनुभव को देख, वो मैं तुझे देने आया हूँ और वो पूर्णता का अनुभव करवाने आया हूँ। इसलिए ये गुरु पूर्णिमा का उत्सव हम मनाते हैं कि हे गुरुवर, जो पूर्णता का अनुभव आपके भीतर है वही पूर्णता का अनुभव आप ही हमें दीजिए। इसलिए किसी भक्त ने कहा कि गुरु के गुणों को गाया नहीं जा सकता। कबीर ने यह तक कहा कि पृथ्वी का कागज करूं कलम करूं बन राय, पृथ्वी का कागज करूं कलम करूं बन राय, समुंदर की स्याही करूं फिर भी गुरु को न लिखा न जाए, फिर भी गुरु को न लिखा न जाए। लेकिन एक भक्त जवाब देता है, एक भक्त जवाब देता है कि आप तभी गुरु के गुण गा सकते हो, कैसे, कि हृदय का कागज करूं असुमन की करूं स्याही, अपने हृदय को दे दो गुरु को समर्पित कर दो, हृदय का कागज करूं असुमन की करूं स्याही, उनके विरह में आपके आंसू निकलते हो, गदगद होकर के आंसू निकलते हो, हृदय का कागज करूं असुमन की करूं स्याही, जिह्वा की लेखनी करूं तभी गुरु को लिखा जाए, तभी गुरु को लिखा जाए। मैं सभी के समाज के हमारे भाई बंधु भगिनी मित्रों को बच्चों को उनकी भक्ति के लिए वंदन करता हूँ, पूरी व्यवस्था के लिए सभी पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ, हमारे अध्यक्ष है जो मानिकलाल जी उनको धन्यवाद देता हूँ, अनुराग जी जिनके आमंत्रण पर मैं यहाँ पर आया, और साथ ही ये कलश जिसका जिन्हें सौभाग्य मिला सुरेंद्र जैन जी और योजना बिहार के और भी परिवार है उनको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, आपके ऊपर खूब आशीर्वाद और कृपा रहे। पुनः एक बार मैं सभी मुनियों के चरणों में वंदन करके आपने शब्दों
संजय गुरु चरणों के पास प्रचार करने का पावन अवसर अवसर सुहाना आया रे अवसर अवसर सुहाना आया रे अवसर Bye.
प्रवचन करूंगा पर आप लोग सुन लो। हाँ समझ बोले 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 हर्ष सागर जी महाराज की बस साइलेंट रहिए सभी लोग महाराज सिंह अमृत भगवान को सुनिए। शराब पीना ना चुका महाराज ने कहा था कि एक प्याला हमारे
पी लो तो सारी जिंदगी मेरी तरह हंसते हंसते निकल जाएगी। कोई आज व्यक्ति हंसना भूल गया है और हंसना भूल गया है तो इसीलिए व्यक्ति आज क्या करता है, आज का व्यक्ति हंसने के लिए योग शिविर में शामिल होता है। और इसलिए कभी कभी जाकर के सुबह सुबह पार्कों में देख लेना, उस पार्कों में बहुत सारी भीड़ बैठी होती है और एक साथ मिलकर के हंसते, सुना क्यों सुना क्यों हंसते हैं, क्योंकि हंसने के बिना तो कुछ है नहीं। यहां पर आज आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का दिन है और ऐसा दिन है कि इस नशे के बिना सारे नशे अधूरे। एक गुरु का जीवन में होना बहुत जरूरी है। माता पिता कहा गया है कि माँ का साथ 7 साल का, माँ का साथ 7 साल का, उसके बाद 8 साल में वो अपने योग हो जाता है। 8वें वर्ष में दीक्षा ले सकता है, सम्यक दर्शन को धारण कर सकता है। 8 साल में माँ का साथ छूट जाता है और पिता का साथ 60 साल का, क्योंकि माँ से छूटता है। अब पिताजी भी कैसे कर लेते हैं, चलो दुकान करो, ये करो, फैक्ट्री करो, साथ साथ भागता है। तो माँ का हाथ, माँ का साथ 7 साल का और पिता का साथ 60 साल का और गुरु का साथ जन्मों जन्मों का, एक जन्म का नहीं कितने जन्मों का। क्योंकि तो कहा जाता है, गुरु गोविंद दो खड़े काकी लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद ये बताए। राम जिनको हम राम के मंत्रों के चक्कर लगाते हैं और राम भी गुरु के चक्कर लगाते थे। हम हनुमान के मंदिर में जाकर के प्रसाद चढ़ाते हैं और वो हनुमान कहते हैं कि हे महानुभाव, तू मुझे प्रसाद चढ़ा रहा है और मैं राम को गुरु मानता था और राम को गुरु माना और गुरु भक्ति की, जो आज मैं हनुमान बन गया तो तुम भी गुरु भक्ति करो। मेरी भक्ति बात न करना, पहले गुरु की भक्ति करो। जितने जितने देवी देवता ने सबका कोई ना कोई गुरु था और आज की डेट में जितने ऊंचे ऊंचे, चाहे वो बड़े बड़े प्लेयर हो, चाहे बड़े बड़े क्रिकेटर हो, बड़े बड़े नेता अभिनेता हो, सबके जीवन में एक ना एक गुरु है और अपने गुरुओं के पास जाकर भक्ति करते हैं। और कई बार पत्रिका लिखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, बड़े बड़े नेता अभिनेता अमिताभ बच्चन जैसे कहीं इस मंदिर में, कहीं उस मंदिर में, कहीं कोई अंधे शरीर में, कहीं ना कहीं लोग जाकर के सत्यनाथ, सब लोग हाथ जोड़ो ना, क्या होता है, एक होता है नाद, बोलो मुझसे, बोलो नाद। नाद किसे कहते हैं, अरे देख रहे थे हमारे संगीत का, संगीत बजा रहे थे और संगीत बजाते हैं तो उससे नाद उठता है, नाद अपन कहते संकनाद किया उन्होंने, युद्ध होता है तो संकनाद संघ बजाया जाता है, युद्ध में जब सेना लड़ने जाती है तो वहां पर संगीत बजाया जाता है, देश की धुने जो देश के प्रति जुनून पैदा करती है ऐसी धुने सुनाई जाती है जिससे सैनिकों को लड़ने के लिए जुनून पैदा हो जाए। तो नाद क्या करता है, जो बाहर का नाद होता है वह नाद होता है और नाद हमारी आत्मा से उठते हुए संगीत को जगाता है जिसे कहते हैं अनाहत। नाद प्लस अनाहत, और अनाहत किसे कहते हैं, अनाहत जो है वो हमारे शरीर के अंतरंग से उठता है। और वह देखेंगे 24 तीर्थंकर होते हैं और 24 तीर्थंकरों के 24 यंत्र होते हैं। जहां जहां जब कोई भगवान के मूल नायक को विराजमान किया जाता है तो मूल नायक के नीचे एक उन्हीं नाम के भगवान का आदिनाथ है तो आदिनाथ का यंत्र, अजितनाथ है तो अजितनाथ का यंत्र, महावीर है तो महावीर का यंत्र उनकी मूर्ति के नीचे रखा जाता है। और जब कभी वो यंत्र को आप देखेंगे तो उस पर देखना आप एक सांप जैसा बना रहता है। कभी लोगों ने केवल में विचार नहीं आया कि है क्या, तो जो एक सांप जैसा बना रहता है उसे बोलते हैं अनाहत। और जिस जिस तीर्थंकर को जैसे जैसे अनाहत हुआ वह चिन्ह उसके उन तीर्थंकरों के यंत्र पर बना हुआ होता है। आदिनाथ भगवान जहां अपना इस वर्ष का चातुर्मास है, उन भगवान को जो अनाहत उत्पन्न हुआ, क्योंकि बाहर भी
केवल ज्ञानी होगा। और अनाहत जो होता है वह आदिनाथ भी जब अनाहत हुआ तो उनके पैर के अंगूठे से हुआ, दाहिने पैर के अंगूठे से जैसे बिजली की किरण आसमान जो बिजली चमकती है, भगवान के पैर के दाहिने पैर के अंगूठे से वह नाथ चलता हुआ अनाहत आकर के सिर पर समाप्त हुआ। और तब जाके केवल ज्ञान होता है। हर तीन तंत्रों को अलग अलग अनाहत होता है और वह केवल ज्ञान का कारण बनता है। तो ऐसे नाद से अनाहत की हो जो हमारी यात्रा है वो संगीत के साथ होती है। आचार्यों ने इसीलिए देखे पर जितने भी तीर्थंकर होते हैं तीर्थंकर के समो शरण में 12.5 करोड़ नाद बजते नाद, एक दो नाद नहीं 12.5 करोड़ नाद बजते हैं। ऐसे नाद से जो कि हमारे अनाहत का कारण होता है, अनाहत यानी केवल ज्ञान का कारण होता है, ऐसे भाई कौन कराता है? गुरु कराते हैं। देखिए जितने भी लोग दीक्षा लेंगे, हम लोग तो ले चुके, इतनी भीड़ में कभी ना कभी किसी ना किसी की दीक्षा तो होगी। पर वो दीक्षा कितने बड़े बड़े मंदिर में ख्याति प्राप्त, कोई किसी की दीक्षा भी किसी भी मंदिर के भगवान नहीं दे रहे। सुनाया तुमने कभी फलाने मंदिर के भगवान ने किसी व्यक्ति को दीक्षा दी? सुनाए क्या? किसी ने सुनाओ तो हाथ उठाओ। क्योंकि जितने भी लोगों की दीक्षा होगी वो कोई ना कोई गुरु देते हैं, मगर जितने मंदिर बनते हैं वो बनेंगे वो बनते रहेंगे। हर मंदिर में जितने भी भगवान बैठेंगे और जितने जब बड़े भगवान हो या छोटे भगवान हो, और भगवान को दीक्षा गुरु ही देंगे। कौन देगा? गुरु ही देंगे। बिना गुरु के पंच कल्याण नहीं हो सकता। तो पंच कल्याण होगा तो एक भगवान का कल्याण करने के लिए दूसरे भगवान नहीं आते। भगवान का पंच कल्याण के लिए हमेशा गुरु ही आते हैं। और उन्हीं परमात्मा ने भी अपनी जनवाणी में ये बात बोल दी कि बिना गुरु के पंच कल्याण नहीं होगा। और बिना गुरु के पंच कल्याण करोगे तो पंच कल्याण ही नहीं। किसने कह दिया? भगवान महावीर ने। उन्होंने कहा बिना गुरु के कुछ हो गए नहीं। तो गुरु के बिना, क्योंकि भगवान बनते हैं जो पांच परमेश्वरी है, तो यात्रा साधु परमेश्वरी से ही प्रारंभ होती है। एक साधु ही क्या बनता है? उपाध्याय बनता है। एक साधु ही आचार्य बनता है। एक साधु ही अर्हंत बनता है। और एक साधु ही सिद्ध बन जाता है, यानी साधु में सिद्ध भी समाविष्ट है। और इसीलिए जब कोई पूजा की जाती है तो देव शास्त्र गुरु की पूजा एक साथ एक थौने में बैठा करके की जाती है। और पूजा के लिए नियम बना लिया गया कि पहली पूजा यदि कोई होगी, चाहे किसी भी भगवान का कल्याणक हो, कोई से भी भगवान का कल्याणक हो, चाहे पार्षद का कल्याणक हो, चाहे आदिनाथ का कल्याणक हो, कल्याणक की पूजा बाद में होगी, पहले पूजा शुरू होगी तो देव शास्त्र गुरु से होगी। गुरु को बराबर स्थान दिया गया। देव शास्त्र गुरु की पूजा करने के बाद फिर जाकर के भगवान का नंबर आता कि आज भगवान का कल्याणक है, उनकी भी पूजा कर लो। मतलब ऐसे ऐसे हमारे विद्वान हुए जिनको गुरु के दर्शन नहीं हुए। ध्यानत राय, दौलत राम जी और भी कितने आशाधर जी, ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिनको सभी साधनों के दर्शन नहीं हुए। और उन्होंने साधुओं ने कह दिए, क्या कह दिया? उन्होंने अपने अपने भजन गा दिए। भजन ऐसे ऐसे भजन गा के चले गए। ते गुरु मेरे मन बसो, ते गुरु मेरे मन बसो, जे भव जलदी जहाज, और आप तरह और पर को तारे, ऐसे शरीर सिलाश। आप तो तरी रहे हो और आप उसे भी उतार रहे हो, तो संसार से तिरने के लिए एक दूसरे का क्या हो? जहाज हो, जहाज उसे तिरने के लिए ना। और जहां पर एक पंडित जी ने क्या बोल दिया, दौलत राम जी ने छह डाला बोल दिया, जग सुहित हत कर सब अहित कर, सुखी सुकर सब संशय हरे, भ्रम रोग हरे जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत छे। कैसे होते गुरु? और जहां पर एक पंडित जी ने कह दिया, बोले भी मुनि का मन कैसा होता है? दुनिया में उपमाएं दी जाती है तो दूसरी चीज की उपमा उनको दी जाती है, और ये जल कैसा है? बोले मुनि मन के समान, मुनि मन उज्ज्वल नील प्रास के नील भरा।
मुनि मन उज्ज्वली, जैसे मुनि का मन होता है, जैसे मुनि का मन होता है वैसा जल है, जैसा जल है ऐसा मुनि का मन है, ये नहीं कहा, बोले जैसे मुनि का मन होता है वैसे जल होता है, ऐसा जल हम आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। ऐसे गुरु और ऐसे गुरु जहां भगवान महावीर स्वामी को क्या हो गया, केवल ज्ञान। और एक दिन हो गया फिर भी देव देशना नहीं मिली, अपन देख रहे थे देव देशना थोड़ी देर हो गई तो लोग आकुल व्याकुल हो गए। अगर पंडित जी अभी आधा पांच घंटे तीनों पंडित जी माइक ना छोड़ते तो हो सकता है थोड़ी देर बाद अपन बैठे हो तो कुर्सियां खाली पड़ी होती। पर वहां पर भगवान की देव देशना 65 दिन तक नहीं खिली, कितने दिन तक नहीं खिली, 65 दिन तक नहीं खिली, और तब जाकर के लोगों का और क्या बढ़ता गया, क्योंकि शेर में आकर्षण होता है, किसी से कहो बैठो, अरे जाना है जरूरी, किसी का जाओ ये जाओ क्या करो यहां बैठे बैठ जाओ, अरे नहीं चाहिए, किसी से आकर्षण है। एक जगह एक मकान बन रहा था, मकान नया नया मकान बन रहा था नरेंद्र जी का, आप नहीं पूछे नरेंद्र जी, और उनके मकान के पीछे लोगों ने लंच का करना प्रारंभ कर दी। अब बेचारे वो भी एक समस्या है, उसका नाम ही शंका है, लघु शंका। अब बेचारे अब वो व्यक्ति जो भी जाए उसको शंका लगे वो मकान के पीछे, अब जो मकान में रहने वाला बेचारा परेशान, चिल्लाए ऊपर से सबसे आवाज लगाए तब कौन सुनने वाला, हर व्यक्ति हिसाब आ रहा तो सीढ़ी उतर के आएगा, तीन सीढ़ी उतर तो कभी चले जाएंगे, बहुत परेशान व्यक्ति सर, बहुत परेशान, इतना परेशान। एक दिन मंदिर जी ने आया, बड़ा मन उत्पाद करके वहां मिल गए हमारे महाराज जी, बोले नरेंद्र क्या बात है आपका चेहरे उतरा उतरा है, बोले क्या बताऊं मानक चंद जी, वो मकान के पीछे लोग नंसों करते मानती पुलिस ने उदास की, क्या बात है लिखवा दो वहां पर, ये बात पर लिखवा दो, क्या लिखवा दो भैया, लिखवा दो यहाँ पेशाब करना मना है, यहाँ पेशाब करना मना है लिखवा दो, ठीक है। और मानक चंद जी की बात मानकर के उन्हें नीचे लिखवा दिया दीवार पर, यहाँ पेशाब करना मना है, और जो भी लोग पढ़े यहाँ पेशाब करना मना है, कौन होता मना करने वाले नहीं करेंगे, जो भी पढ़े वो वहीं करके जाए। अब तो और पहले तो कम लोग करते थे, अब और ज्यादा लोग करने लगे, अब तो नरेंद्र कुमार जी और उदास है कि जो बड़ी समस्या और अपने हाथ से कुलाड़ी पैर पटक ली, फिर बेचारे उदास मन से मंदिर पहुंचे, वहां मिल गए नरेंद्र कुमार जी, नरेश कुमार जी कांसल पंडित जी हस्तिनापुर में, बोले नरेंद्र कुमार जी क्या बात है भाई आजकल चेहरे पर उदासी, बोले क्या बताएं महाराज जी ने फंसवा दिया, बोले महाराज जी ने फंसवा दिया, बोले हाँ, बोले मकान के पीछे पहले लोग कम लोग लघु शंका करते थे, और जब से उन्होंने बताया लिखवा दो तो मैं लिखवा दिया, तब से तो और लोग ज्यादा लघु शंका करने लगे, क्या लिखवा दिया, बोले लिखवा दिया यहाँ पेशाब करना मना है, बोले बस यही तो गलती कर दी। नरेंद्र कुमार जी बोले पंडित जी तुम्हें बता दो क्या लिखवाना था, बोले एक काम करो मेरी राय है उसको मिटाओ, जो लिखा है उसको मिटाओ और उसके स्थान पर लिख दो, क्या लिख दो, कृपया भाई साहब यही पेशाब करके जाए, क्या लिखवा दिया कि कृपया भाई साहब यही पेशाब करके जाए। अब जो भी आए बेचारा जैसे ही आए तैयारी से सब करना है और वहां लिखा के यही करके जाए, और भाई भाई चिप बंद, क्यों करूं यहां पर, क्या मालूम कल ग्रेंट है क्या कोई व्यवस्था लिखी होगी, मैं तो नहीं करूंगा। और देखा पर एक व्यक्ति ने पेशाब दिया तो निषेध में आकर्षण है कि नहीं, मना किया कि मत करना सब कर रहे थे और कहा करके जाओ कोई नहीं, इतना निषेध, निषेध में आकर्षण ने तो आचरण बोलने की पंडित हुए, इतने विद्वान हुए, उन्हें संतों के दर्शन नहीं मिले, दर्शन ही नहीं मिले, न सुबह ना दोपहर ना शाम को, और जब जाकर के तो दर्शन भी नहीं मिले, तो उन विद्वानों ने एक से एक सुंदर सुंदर भजन लिख दिए, कैसे होते होंगे हमारे मणिराज, कैसे चलते होंगे, कैसे आहार करने जाते होंगे, कैसे उनका हमें आशीर्वाद मिलता होगा। ये तो पंचम काल का समय है कि तुम्हें आजकल के मुनि महाराज आचार्य उपाध्याय साधु तुम्हें आशीर्वाद देते, आगम में इसका
पूर्णता निषेध है। आगम में कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी मुनि महाराज हाथ उठाकर के आशीर्वाद दे, क्योंकि हमारा धर्म बीतरागी धर्म है और बीतरागता में एक भी मूर्ति तुम्हें अगर ऐसी मिल जाएगी तो क्या करोगे? एक भी मूर्ति अगर तुम्हें पेपर में फेसबुक में या कहीं भी तुम्हें मिल जाए जिसमें जैन मूर्ति भी ऐसी बना दिया जाए आशीर्वाद देती हुई, आशीर्वाद करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि भीत रागी भगवान तुम्हारे हाथ के हाथ खड़े होते हैं, ना वो किसी को आशीर्वाद देते और ना पास की लाके बैठते, एक पैर नीचे रखा और एक पैर ऐसे बैठ जाए, कोई भीत रागी नहीं है ना। तो भीत रागी जैसे भगवान होते हैं, कभी भी एक भी मूर्ति उनकी हाथ से आशीर्वाद देते हुए नहीं मिलेगी। वैसे ही भीत रागी जो मुनि होते हैं वो भी किसी को आशीर्वाद नहीं दे सकते। और ये पंचम काल का समय है निषेध में आकर्षण है ना, और निषेध में आकर्षण है इसलिए क्या होता है आजकल के हम जैसे मुनिराजों को आचार्यों को उपाध्यायों को तुम्हें आशीर्वाद देना पड़ता है, क्योंकि नहीं देंगे तो कोई नहीं आएगा, नहीं देंगे तो भैया तुम आओ आशीर्वाद ले लो, क्या है ले लो आशीर्वाद ले लो कीर्थ खुआ लो ये कहो तो भैया तो करवा लो क्या दिखा है आओ। ये ध्यान रखना कहा आज की मेरा कोई बोला महाराज श्री की जयंती बनेगी जयंती, बोले कौन से महाराज की? एक पुराने महाराज की जयंती बनेगी। मैंने कही तो नाम है महाराज की जयंती बनेगी, बोले किसी महाराज की जयंती नहीं बनती। बोले किसी बनती महाराज? हर महाराज की जयंती बनती है। तो मैंने कहा बनती? मैंने कहा जिन महाराज की जयंती बनती है वो तो बेचारे मंच पे गुड्डा बन के बैठे रहते हैं रागी बन के, बाकी तो कौन है? एक पीछे से आकर महाराज हमारा भजन, एक यहां से आकर महाराज हमारे व्यक्ति आए हमारे उनसे सिमज बवा दे, एक यहां से महाराज और वो पटका बना दो पटका, एक महाराज वो थाली पत्ती जा रहा है कुछ आ रहा है जल्दी जल्दी उसको खुलाओ खुलाओ मंच पे बेचारे महाराज को चारों तरफ से घेरे रहते, इनकी सुनो इनकी सुनो इनकी सुनो इनकी सुनो, तो जयंती इसकी बन रही बेचारे नाम बदनाम महाराज का है जयंती की मन रही है। बताओ गुरु पूर्णिमा का मतलब क्या है? गुरु पूर्णिमा गुरु नाम है गुरु पूर्णिमा मन रही है, देखा जाए तो शिष्य पूर्णिमा मन शिष्य पूर्णिमा क्यों भैया हुआ करो चिट्ठी पाती भेजो। पहले तो शादी का कार्ड आता था, आजकल घर में देखो तो साधुओं के कार्ड, एक व्यक्ति से मैंने कहा भाई परसों गुरु पूर्णिमा है आना है, बोले महाराज जी देखता हूँ कहाँ पहुंचता हूँ देखता हूँ, बोले क्या कह रहा है भाई देखता हूँ कहाँ पहुंचता हूँ मैं क्यों? बोले महाराज जी आठ दस कार्ड आ चुके, अब क्या है कि दस कार्ड आएंगे कहीं हर जगह थोड़ा थोड़ा तो जाना पड़ेगा ना, बाकी दुकान हम चाहे हम देखते थे कि आप ही लोग ऐसे हो कि दुकान चलाने के लिए स्कीम निकालना पड़ती है, आज तक तो हमें नहीं बुलाने के लिए कितनी स्कीम निकालना पड़ती है ना, पता चला कि प्रवचन सुनने आओ तो नाश्ता की व्यवस्था रहो, जैसे ही आप प्रवचन सुनने के बाद थक गए हो एक घंटे के प्रवचन में अगर आप थक गए हो ना थकान हो गई है और जैसे बाहर निकलोगे तो आपके लिए चिंता मत करो आपके मन की रिश्त बढ़ेगी। पहले के समय में मंदिर का भोजन कैसा होता था? दाल रोटी खा चुपचाप निकल गए, अब आज तक दाल रोटी कौन खाएगा? आज तक कभी आज की रिश्त मिलेगी इडली डोसा खाओ, एक जगह इडली डोसा कहीं मटर पनीर कहीं पर शाही पनीर कहीं पर ये ना कहीं पर वो सावर बड़ा कहीं फलाना बड़ा कहीं ये बड़ा, क्यों बेचारे शराब एक चीज खा खा के परेशान हो जाएंगे ना बदल हो जाए बदली आए तो नहीं ना। तो इडली व्यवस्था कौन दे रहा है? इसलिए देना पड़ेगा कि आओ उसी ना कर सकते है। तो आज मैंने बताओ कितना नाम किसका ने चौका महाराज का, चौका महाराज का किसका चौका लगाया एक महाराज के लिए? कितने लोगों ने खाया? 25 लोगों ने, बिल किसके नाम पे आएगा? महाराज के नाम। तो ये कितने का चौका पड़ता है महाराज का? नरेंद्र जी बताओ महाराज जी बिहार जी आए उनका चौका घर पे लगाना चाहते कितना खर्चा आएगा? नरेंद्र जी कहेंगे देखो इन्हें बोलो 3,000 रुपये का चुवाएंगे, अरे बाप रे सारी महाराज 4,000 रुपये खा जाती है और वैसे भगवान ने गॉड गिवन पेट बढ़ा दिया और चौकी से निकले तो लोग पेट देख के जाएंगे
4000 तक भर के लाए। सोचो ये स्थितियां हमारी धीरे धीरे चेंज होते हुए आज हम लोग इस कदम पर पड़ रही है। सोचो, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मान लो, सोचो, सपोज करो, अगर गुरु ना होते तो हमारा धर्म कहाँ होगा। सोचो, ये गुरु बीस रागी गुरु ने अपनी बीस रागता को खूटी पर टांग करके तुम्हारी जिम्मेदारी ली है कि इतने तुम्हारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है तुम्हारे लिए सीट पर बैठा कर प्रवचन सुनाए। पहले के समय में घुसल पड़ा फर्श नहीं मिले ना मिले जरूरी नहीं था, अपना फर्श घर से लाओ। जैसे बच्चे लोग छोटे में बच्चे होते थे, बच्चे गांव के बच्चे अपने घर से भट्टी लाते थे, भट्टी बिछाई में बैठ जाते थे ना। क्योंकि तो मैंने भी जब मैं साधु नहीं बना था चार पांच पंच कल्याणक अटेंड किए और उसमें देखा था कि जब पापा मम्मी जाते थे तो बिस्तर ले जाते साथ में, एक बिछाने के लिए गद्दा रख लिया, एक रख लिया या तकिया रख लिया, चलो भाई एक दो दिन सो जाएंगे चलो, है ना। क्यों कि बाहर कहाँ मिलेगी थी ना, कोई भोजन व्यवस्था, हस्ती लोग पूरी बना करके ले जाते डब्बों में भर भर के और वहां पर अचार से खा रहे, वहां मिर्ची से खा रहे, पानी पीने के लिए टैंकर खड़ा है, लोटा भर भर के ले आओ पी रहे आराम से, और एक टेंट के नीचे बैठ के काम चला लिया। आज तो DIP शराबक आएगा पहले फोन आएगा, हेलो कौन बोल रहा, हाँ भैया ब्रह्मचारिणी प्रियंका दीदी बोल रही है, महाराज को नमस्ते बोल देना और मैं परसों आ रहा हूँ, मेरी व्यवस्था हो जाएगी ना, कमरे पूरे एसी वेसी मिल जाएगा, नहीं तो महाराज को एसी नहीं मिलता, पसीने में धरे जा रहे थे एसी। बोले भाई क्या बात ना, इतनी व्यवस्था आजकल अगर तुमने व्यवस्था डन कर दी कि हाँ सब कुछ मिलेगा, भक्त कहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं, मजे में रहेंगे, आराम से खाओ पियो, भक्ति को ना व्यवस्था नहीं दी तो महाराज के पास भीड़ आने वाली नहीं। तो कितना किसका उपकार है, गुरु का उपकार है, गुरु माता गुरु पिता गुरु बंधु गुरु सखा। भाई कर लिया यहाँ 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 ठीक है, गुरु माता गुरु पिता गुरु बंधु गुरु सखा, गुरु माँ भी है और माँ की तरह तुम्हारा ध्यान रखती है, गुरु माँ है और माँ की तरह गुरु गुरु होकर के भी माँ की तरह तुम्हारा ध्यान रखती है। बेटा तुम कहाँ रुके हो, तुमने खाना पीना खाया कि नहीं खाया, तुमने की व्यवस्था हमने कर दी है। महाराज अपनी व्यवस्था कभी नहीं बताते कमेटी को कि मुझे कहाँ रोकोगे क्या करोगे, क्या बोलते हैं भैया देखना भक्त लोग आएंगे उनको रुकने के लिए व्यवस्था, भैया VIP लोग आएंगे उनके लिए, भैया महाराज बेचारे खुद रुकेंगे सूखे कमरे में जहां पर बाहर की हवा भी नहीं आ सकती, पंखे की दूर की बात, और बेचारे पर भक्तों के लिए देखो भाई रुका VIP लोग क्या भाई उनकी व्यवस्था कर देना, बगल बगल में कोई होटल वोटल उसमें कर दो, लाज को उसमें कर दो, बताओ लाज तुम्हें करवा रही है, तुम्हें होटल करवा रही है, गद्दे खुद गद्दे का त्याग, सुबह पार्टी में सोचोगे जिंदगी निकाल दी 18 साल निकाल दिए और भक्तों के लिए गद्दी किसका, अब बताओ किसका चतुर्मास हो रहा है, महाराज का चतुर्मास तुम्हारा है ना। पहले के समय में कोई व्यवस्था नहीं बनाई जाती थी पर आज बनाई जाती है, कितना बड़ा पुण्य है तुम्हारा है ना, फक्र करो, आई एम प्राउड दिगंबर गुरु, उनके उन पर प्राउड करो कि हमें ऐसे दिगंबर गुरु मिले, ऐसे गुरु मिले कि आज के इस पंचम काल में जितना हमें मम्मी पापा के पास मन लगता है उससे ज्यादा मन हमारा गुरु के पास लगता है, हमें ऐसा लगता है हम कब गुरु के पास जाए, कब गुरु के पास जाए, कभी गुरु के पास, कभी घर में रहते हो तो माँ का प्यार जब माँ के पास जाते हो तब मिलता है, पिता से जब मिलोगे तो पिता का प्यार मिलता है और बहन के पास जाओ तो बहन का प्यार मिलता है, पर गुरु के पास जाने से माँ बाप सबका प्यार एक साथ हो जाता है। इतना उपकार है, सोचो क्या कहलाते हो, अगर आप परिचय देते हो बाहर तो क्या बोलते हो कि दिगंबर जैन, क्या है भैया आपका परिचय, बोले आई एम दिगंबर जैन, दिगंबर किसे कहते हैं जो नंगा हुआ हारा हो, दिगंबर यानी जिसके पास कपड़े भी नहीं तो दिगंबर, तो बताओ ये दिगंबर क्यों बोल दिया आपने, बोले हमारे गुरु दिगंबर होते, तो आचल
ग्रंथ खोल के देखो, दिगंबरम की पहचान जो है वो तुमसे नहीं है, गुरुओं से। गुरुओं से तुम्हारी पहचान बनी कि हम दिगंबर जाएंगे, हम दिगंबर धर्म को ही मानते, दिगंबर आत्माएं को मानते हैं, क्योंकि प्रभु भी तुम्हारे दिगंबर हैं और गुरु भी दिगंबर हैं। कितना बड़ा उपकार है तुम्हारे ऊपर। और धर्म भी मान लो, मुझे बड़ी खुशी है, बड़ा मुझे प्राउड है तुम लोगों पर। कम से कम इतना कीमती समय निकाल करके मेरे लिए, समय नहीं है तुम्हारा ये ध्यान रखना। तुम कहो कि मैं महाराज गहर सागर जी महाराज के लिए आया हूं, मैं कहूंगा ये समय तुमने दिया है निकाल करके तो अपनी आत्मा की कल्याण के लिए। क्योंकि आप अगर इसी तरह आपकी लौ लगी रही और आप इसी तरह समय देते रहे आते रहे तो ये गहर सागर जी महाराज गारंटी देता है एक दिन तुम्हारा नियम से कल्याण होगा, नियम से होगा। क्योंकि आपकी ये लो, आपका ये आना, चाहे भले ही आप किसी भी तरह से आओ, चाहे व्यवस्थाओं को देखकर आओ, चाहे आप कोई चीज देखकर आओ, पर आपके लिए आपका यहां तक आना, गुरु का दर्शन करना, गुरु के पास बैठना, गुरु को आहार देना, गुरु को चौका लगाना, इतने मात्र तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि ये जैन दर्शन है, जैन दर्शन है तो भावों से चलता है। भरत बाहुबली जैसे जीव जो कि जानवर थे, क्या थे भरत और बाहुबली? क्या थे? एक बंदर थे, एक सिंह थे। और बताओ इन दोनों ने मुनि महाराज का आहार देखा मात्र था, दिया नहीं था, कभी जानवर लोग कभी आहार नहीं देते। और देखा था और मन में विचार किया था कि इनका आहार अच्छे से हो जाए, ये सोचा मात्र था। और सोचने मात्र से दोनों का जो मरण हुआ तो आदिनाथ के पुत्र बने और भरत बाहुबली बन गए देखने मात्र से। राजा श्रीनाथ ने आहार दिया था, उन्होंने देखा नहीं था, उन्होंने दिया था। और उन्होंने दिया तो आज पंचम युग में कब हुए थे आदिनाथ, कब उन्हें आहार दिया था राजा श्रेयांश बन करके। और उसे कहा कि इतनी बड़ी दुनिया में राजा श्रेयांश को ही ऐसा सौभाग्य प्राप्त क्यों हुआ? बोले क्योंकि उन्होंने मुनि महाराज को पिछले भवों में आहार दिया था। आहार देने का तपन, देने का पुण्य, देखने का पुण्य, अनुमोदना करने का पुण्य। वाह भक्तो, जितने लोग बैठे हो सब भव्य जीव, सब भव्य जीव हैं। और मैं तो यही कहूंगा आपसे, हमेशा यही अपेक्षा रखूंगा कि आप इसी तरह गुरु भक्ति को कभी मत छोड़ना। गुरु भक्ति करते रहना, ऐसे ही करते रहना, एक दिन तुम्हारा नियम से कल्याण होगा। क्योंकि तो आज तुम गुरु पूर्णिमा पर बैठे हो। और ध्यान रखना, गुरु के गुरु बनाने से अनाड़ी व्यक्ति भी खिलाड़ी बन जाता है। क्योंकि तो मैं मेरे जैसा अनाड़ी व्यक्ति गुरु के जीवन से जब खिलाड़ी बन गया, और आपको तो गुरु का इतना प्यार मिल रहा है। हम लोग इस समय तो इतना प्यार नहीं मिलता था गुरुओं का, हम डरते थे। मैं तो 22 साल तक किसी गुरु के पास नहीं गया, मेरे साथ रहने वाले भैया बैठे, कभी 22 साल तक किसी गुरु के पास नहीं गया, दर्शन करने भी नहीं गया। और जब कभी तुम लोगों को देखता हूं तो मैं यही कहता हूं कि कभी भी जीवन में किसी गुरु की हंसी मत करना। क्योंकि तो ये ध्यान रखना कि ये नंगे होकर के एक टाइम आहार करके केसरोज करके और तुम्हारे धर्म की हंसी नहीं करते, ये तुम्हारे धर्म की प्रभावना करते हैं। क्योंकि जब तुमको जब प्रभावना करते हो, जब कोई महाराज तुम्हारे मंदिर में आते हैं, और ये महाराज तो मंदिर में ही नहीं, ये तो मंदिर के नहीं सारे देश की गलियों गलियों में घूम घूम करके दिगंबर धर्म की प्रभावना करते। कभी मंदिर में होते तो तुम साथ में होते हो, और जब कभी मंदिर में नहीं होते महाराज तो सड़कों में जब महाराज चलते हैं तो उस समय दो लोग या चार लोग होते और प्रभावना करते हैं। पर कभी ये महाराज तुम तो किसी महाराज को देख करके उनकी हंसी भी कर देते हो, उनकी बुराई भी कर देते हो, आलोचना भी कर देते हो, पर इन मुनि महाराजों का दिल देखो, इनका कलेजा देखो, इनका कलेजा कितना मस्त है कि इनने आज तक माइक से किसी श्रावक की बुराई नहीं की, किसी समाज की बुराई नहीं की, कि समाज ने हमारे लिए ऐसा व्यवहार किया। क्यों? क्योंकि यही तो गुरु है। जैसे एक माँ बेटा भले ही नालायक हो जाए पर माँ कभी अपने पद को नहीं छोड़ती, वो माँ ही रहती है। कलेजा भी मान लिया तब भी कलेजे से आवाज आ रही है कि बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। पर बेटा भले कुछ भी हो जाए, ऐसे गुरु समाज कुछ भी कहे कुछ भी करे, पर गुरु हमेशा यही आशीर्वाद देते हैं हमारे भक्तों का कल्याण हो। जब ना मालूम भगवान महावीर स्वामी जिस शेर की पर्याय में थे और शिकार कर रहे थे, वहां भी मुनि महाराज ने उपदेश दिया कि हे सिंहराज क्या कर रहे हो?
तो मैं तो कहता हूं तुम्हें देख करके तुम तो सिंहराज से बहुत अच्छे हो, मनुष्य ताकत तुम्हारे अंदर है, गुरु भक्ति तुम्हारे अंदर है, आज आई एम प्राउड, आपको देख करके खुशी होती है कि आप लोगों को जैन दर्शन मिला, जैन कुल मिला, जैन गुरु मिले। अभी देखो लवली जी बोल रहे थे, नहीं बोल रहे थे लवली जी ने क्या कहा जाते जाते कि धन्य हो आप लोग कि आपका जन्म जैन दर्शन में हुआ। बोले कि नहीं बोले कि तुम्हारा जन्म जैन कुल में हुआ और आज सारा देश तुम्हारे व्यवहार को तुम्हारे आचरण को अपनाना चाहता है। कभी आज सारा देश कहता है शाकाहार अपनाओ और हमारे जैन समाज शाकाहार को अपना करके उपदेश देते। और आज मैं आप सबसे कहूंगा अगर आपका गुरु के साथ ऐसे ही बंधन रहा और रहना चाहिए, किसी ना किसी गुरु से जुड़े रहो, ये नहीं कहता हूं कि एक गुरु से, किसी ना किसी गुरु को जिससे तुम्हारा मन लगे उन्हें गुरु जरूर बनाओ। और गुरु बना करके मगर एक को गुरु बना करके शेष की अवहेलना मत करना, शेष की अनादर मत करना, आलोचना मत करना, निंदा मत करना, क्योंकि गुरु तो गुरु होता है। गुरु के तक जब हम शिष्य बन जाते हैं तो गुरु कैसा भी हो तुम्हारा कल्याण तो कर ही देगा। क्योंकि एक आचार्यों का कथन है भगवान महावीर स्वामी का कि एक अभव जीव भी सैकड़ों भव जीवों को तारने में कारण बन जाता है। एक अभव जीव भी सैकड़ों जीवों को तारने में, भव जीवों को तारने में कारण बन जाता है। हर प्रेमंदो सबको बधाई भी दूंगा, आशीर्वाद भी दूंगा और सबके लिए आज का संदेश भी दूंगा गुरु पूर्णिमा पर। और यही कि आप लोग इतने अच्छे हैं, आपका दिल कोमल है, आपके अंदर अहिंसा है, आपके अंदर गुरुओं के प्रति प्रेम है, स्नेह है, वात्सल्य है, मैं इस पर फिरा हूं। अजय कितनी चीजें आज के गुरु लोग आपको देख रहे हैं, बड़ी बड़ी कभी 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 जब चिंतन करने बैठता हूं पंडित जी तो यही सोचता हूं कि गुरुओं का कितना बड़ा उपकार है कि आज गुरु अपना कीमती समय छोड़कर के कितना समय तुम्हें देते हैं और यही सोच के देते हैं कि चलो इनका कुछ ना कुछ कल्याण हो। सर प्रेमंदो ऐसी कभी आज ध्यान रखना, आज हम लोग गुरु पूर्णिमा पर बैठे हैं जहां पर मराठी कवि ने कहा है साधु संत जेती धरा तेती दिवाली दशहरा, कि दिवाली अलग आती है और होली अलग आती है, कभी दोनों एक साथ नहीं आते। मगर आचार्य ने कहा है कि जहां पर गुरु पहुंच जाते हैं, जिस घर में गुरु पहुंच गए उस घर में होली दिवाली सब एक साथ हो जाती है। इतना गुरु का प्रभाव है। घर पे मंदो आज गौतम गणधर को जिनको कोई ज्ञान भी नहीं था पर गुरु को बनाने मात्र से पूरा कल्याण हो गया। जिन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा पंडित जी, एक अक्षर नहीं पढ़ा गौतम गणधर ने, ना भाग एक ना भाग दो ना भाग तीन ना भाग चार, ना ही उन्होंने अष्टपावड़, ना ही उन्होंने समय सात, करणानि योग चरणानि योग द्रव्यानि योग कुछ नहीं पढ़ा। बस क्या पढ़ा? गुरु दर्शन। क्या पढ़ा? गुरु दर्शन। गुरु दर्शन किया और गुरु दर्शन करते ही चार ज्ञान उनके पास आ गए, पति ज्ञान, सुख ज्ञान, अति ज्ञान, मन पर ज्ञान। हम लोग पढ़ पढ़ के परेशान है तो अति ज्ञान सुख ज्ञान से अलावा आगे नहीं बढ़ पा रहे। और बताओ मैं बिना पढ़े गुरु को ऐसा पढ़ा कि चार ज्ञान के धारी हो गए। तो कहा गया है गुरु दर्शन से नूर मिलता है और गमे दिल को सुरूर मिलता है और जो भी आता है गुरु के दर्शन करने को उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। और आज के पूरे जितने भी हमारे परिवार ही है, परिवार का मतलब आप जैन हो और जैन हो और सब लोग जैन गुरुओं को मानते हो तो सब परिवार के ही हो। अब परिवार में ऐसा मत कहना कि मैं तो नहीं तुम्हारे परिवार का, मैं तो दूसरे महाराज के परिवार का हूं ना। कभी परिवार में चाचा भी होते, ताऊ भी होते, पिताजी भी होते, तो जो गुरु है वो पिताजी है। अगर कोई बुजुर्ग साधु मिल जाए तो अगर जैसे बुजुर्ग मिल जाए बाबा महाराज जैसे तो कहना ताऊ है ताऊ, और हम जैसे छोटे मिल जाए तो चाचा कह देना, तो परिवार भी हुए हैं गुरु जिनको अपने दीक्षा ली शिक्षा ली वो गुरु है ना। पर बाकी जो और महाराज आगे कभी तो उनमें ये मत देखना कि ये हमारे गुरु नहीं है, ये सोचना कि ये तो चाचा है या ताऊ है,
बोले व्यवस्था हमें तो दिगंबर हैं श्रीधर प्रेमदो सभी लोग और गुरुओं को देख करके उनकी व्यवस्था बनाना उनकी आदर करना सत्कार करना जितना हो सके और अगर तुम्हें बुरा लगे तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं हाथ जोड़ लेना पीछा छोड़ देना बुरा ही मत करना क्योंकि जैन दर्शन इतना सा दर्शन है और हेड दर्शन है जबरदस्त दर्शन है और ये कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता ऐसा दर्शन हमें मिला है और हम मुट्ठी भर लोग हैं अगर हम ही लोग अपने ही मुनियों की बुराई करोगे तो बताओ प्रभाव कहां करोगे कभी ये जैन दर्शन ऐसा जैन दर्शन है क्षत्रिय दर्शन है जो क्षत्रिय दर्शन हमें मिला है वो क्षत्रिय दर्शन ऐसा दर्शन है कि जिसकी हंसी आज तक दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ जो उसकी हंसी कर सके या जैन दर्शन इनकार कर सके और जैन दर्शन के ऊपर कोई उंगली उठती है आलोचना उठती है तो परिवार के लोगों से होती है कभी मोहल्ला पड़ोसा व्यक्ति कभी हंसी मजाक नहीं करता हर कौन करता है समाज के लोग करते हैं इसलिए मैं आज सबसे कहूंगा क्योंकि ये ध्यान रखना एक सूत्र जो आज का यही है गुरु पूर्णिमा का वो यही है जीवन में कभी किसी गुरु की बुराई मत करना क्यों क्योंकि आचार्यों ने ऐसा कहा है तो मैं इसलिए बोल रहा हूं करना तो खूब करना मुझे क्या करना मगर मैं ये कह रहा हूं किसी गुरु की हंसी मत करना आलोचना निंदा मत करना क्योंकि उसका एक ही फल है भक्तांबर स्तोत्र के 48 काव्यों को जब पढ़ते हैं उसमें एक ही फल दिया गया जो भी मुनि महाराजों की निंदा करते हैं उन्हें कुष्ठ रोग हो जाता है और कुष्ठ रोग की कोई दवाई नहीं कुष्ठ रोग की आज तक कोई दवाई हिंदुस्तान या ऑल वर्ल्ड में निकली सब चीजों की दवाई निकल गई कैंसर की टीबी की हर चीज की क्योंकि तो आचार्य ने कहा कि ये चीज ऐसी है जिसको अक्षम है अक्षम ना तो कोई भी गुरु महाराज आपके हित के लिए कल्याण में सहयोगी बने आपके अहित में सहयोगी ना बने क्योंकि गुरु गुरु होते हैं प्रेमंदो कहने का आती है आज की गुरु दक्षिणा में यही मांगूंगा कभी किसी गुरु की निंदा मत करना किसी भी गुरु की चाहे वो कितने ही बुरे क्यों ना हो बुरे हैं तो अपने लिए अपनी बुराई खुद करेंगे तो खुद करेंगे जो ऊपर से टूटेगा सर हाथ पांव उसी के टूटेंगे अगर मैं गलती करूंगा और ऊपर से कूदूंगा छोटे सुनगी तो मैं भी हमें सुनगी हमें लगेगी लगेगी जो गिरेगा उसी में चोट लगेगी जब वो गिर रहा है तो टूटेगा अपने आप अपना टूटेगा तो अस्पताल में जाएगा दो चार छह महीने रहेगा अपने आप राइट हो जाएगा क्या करना पड़ेगा इसलिए जो करेगा सो भरेगा ऐसा नियम है इसलिए हम किसी की क्यों बुराई करें आलोचना करें निंदा करें जो करेगा सो भरेगा इसलिए धर्म प्रेमंदो आज की गुरु दक्षिणा यही है और मैं सबसे यही चाहूंगा कि आप अपने जीवन में गुरु भक्ति करके आप कल्याण का मार्ग खोले और गुरु निंदा करके आत्मा का कल्याण का मार्ग को बंद ना करें धर्म प्रेमंदो ये दक्षिणा दो ही दोगे सभी लोग देंगे ना कितने लोग दक्षिणा देंगे ये वाली प्रभु हाथ उठा बहुत अच्छा ये दक्षिणा देंगे सभी लोग दोनों हाथ हिला के बताओ हिला के हाँ कि महाराज हम लोग निंदा नहीं करेंगे जो मुनि महाराज हैं बोले तो रहे लोग अपने आप निपटेंगे हर क्या करना क्योंकि अपन को भक्ति करे और भक्ति करके क्योंकि यही गुरु पूर्णिमा है आज की गुरु पूर्णिमा का और आप सबसे यही आशीर्वाद देते हुए और हमारी विवेक विहार कमेटी को और जिन्होंने आज मंगल कलश की बोलियां ली है उन पूरे पूरे परिवारों के लिए ना और जिन्होंने पाठशाला की बोली किसकी बोली जो जो बोलियां ली है उन सबके लिए मेरा आशीर्वाद है कि उनकी ये गुरु भक्ति है ये गुरु भक्ति है कि जो उनको यहां तक खींच के भी लाई और वह अब भक्ति भी करेंगे ऐसी भावना के साथ मैं सबको आशीर्वाद दूंगा और देता रहूंगा पूरे 4 महीने देता रहूंगा और हर जगह देता रहूंगा जा जाके दूंगा ना और अभी बंद के धर्म की प्रभावना के लिए अपनी सांस से समर्पित कर दी है और इसीलिए बंद के अभी आखिर ऐसा क्यों दोपहर को 2:40 पर एक प्रोग्राम आता है पारस चैनल पर जिस पर ऑनलाइन आप अपने प्रश्न दे सकते हो उसके उत्तर अपन देते हैं ये प्रोग्राम ये चालू किया है जो डेली में है प्रतिदिन चलता है
है ना, जिससे कि घर घर में धर्म की चर्चा हो। और दूसरी ओर अभी अपन एक प्रयास और कर रहे हैं, कोई प्रयास शुक्रवास का होगा, और वो ये कि अपना अभी तक कोई जैन सीरियल नहीं है, वो सीरियल नहीं है, इसलिए एक सीरियल अपन यहाँ पर भक्तांबर जी का बनाने जा रहे हैं, और वह सीरियल का एक छोटी सी झलक अपन यहाँ पर दिखाएंगे। अभी 10-5 मिनट बाद उस झलक को देख करके आप समर्थन देना कि महाराज जी सही कर रहा हूँ, और आपने समर्थन दिया इसको 2-3 महीने के अंदर आपके सामने ले आऊंगा, तो आप बोला कि महाराज बेकार है क्या करना ना, तो फिर उसको अपन नहीं बनाएंगे ना। झलक देखेंगे रमो बचाया रमो लोहे सब साहूरम। कौन हो मैं पंडित कह पुकार के, ये सीढ़ी वीडियो सीढ़ी है जो बड़े पर्दे की फिल्म महाराष्ट्र के पास कर तैयार हुई है, जगह जगह प्रसारित हो रही है इस सीढ़ी के माध्यम से आप, और ये किसी को भी चाहिए इस मंच से नहीं देंगे। अपने स्मृति के रूप में अपने घर में रखेंगे, और जब जब किसी गुरु महाराज का आहार आपके घर पे हो आप उसी में पात्र छालन करके गुरु पूर्णिमा को याद करेंगे। चलिए कलश और थाल ले जाइए महेश जी। हमको आसुरा दो रस वही रस ना पिला दो जोरदार तालियां बजाकर उत्साह वर्धन करें, अनुमोदना करें ज्ञान दान की। और हमारे महेश जी ने 1100 रुपए प्रदान किए हैं हमारे गुरु को, बहुत बहुत धन्यवाद विकास पेपर। हाँ चलिए
समर भगत दिव्य मनोहर
चलिए